हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हैं नेकी फिटनेस ट्रिक चैनल को। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको आज वेट गेन करने के बारे में, जो कि मैंने खुद पर्सनल किया है। ऐसा नहीं कि मैं खाली मतलब बातों के दम पे बोल रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद किया है मैंने अपना वेट गेन, वो भी 25 किलो, पूरा 25 kg वेट गेन किया है 6 मंथ्स के अंदर। अब आप बोलोगे कि भाई झूठ बोल रहा है, लेकिन सच कह रहा हूँ, मैंने वो भी किया है, वो नेचुरल किया है मैंने। आज मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, बहुत खास होने वाली है। तो ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा आपको, जिससे कि आप नेचुरल अपना वेट गेन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप खाली वेट ही बढ़ेगा, आपकी मसल, आपका बाइसेप, आपकी चेस्ट, मतलब आपके बॉडी पार्ट की एक एक मसल बढ़ जाएगी, उसकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो सबसे पहले जो आपको करना है, वो करना है आपको डिसिप्लिन से काम। ऐसा नहीं कि आपको आप 2 दिन करिए आपने, फिर उसके बाद फिर आप एकदम वो हो जाते हो कि नहीं भाई मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, मेरी मसल गेन नहीं हो रही, बेकार है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला जो काम करना है आपको, डिसिप्लिन विद पेशेंस। पेशेंस तो सबसे बड़ा रोल है हमारी जिम के लिए। पेशेंस होना इंसान में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेशेंस के दम पे इंसान क्या से क्या बन जाता है। आज देखो तुम्हारा भाई कहाँ, 25 किलो पहले 61 kg का था, आज तुम्हारे भाई का जो वेट है वो 83+ ही होगा। तो गाइज ये करना है। दूसरा आपको क्या करना है, रेगुलर जिम करनी है। ऐसा नहीं कि आप वीक में ऐसे आप 2 दिन जिम जा रहे हो, 3 दिन जा रहे हो, प्रॉपर अगर 6 के 6 डे आप जिम जिम खुल रही है आपको, तो 6 के 6 डे आपको जाना है। ये नहीं कि आपने आज छुट्टी कर ली, चीट मील कर ली, फास्ट फूड खा लिया। और तीसरी बात जो मैंने आपको अभी बोला, फास्ट फूड अवॉइड करना एकदम। डाइट आपका जो रहेगा एकदम प्रॉपर रहेगा। ये नहीं कि आपने अभी प्रोटीन लिया है, उसके बाद आप जाके फास्ट फूड खा रहे हो, आप जंक वो पास्ता खा रहे हो, आप मैगी खा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना गाइस। तो चौथी चीज जो आपको करनी है वो ये रहेगी आपका, एकदम सही एक्सरसाइज करना। काफी लोग क्या करते हैं, जिम में नए नए जाते हैं तो किसी से पूछते भी नहीं है कि भाई वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो मतलब बेइज्जती हो जाएगी, किसी से पूछूंगा तो वो सोचेगा कि मैं अभी नया नया आया हूँ। भाई शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, जिम एक ऐसी चीज है इसके अंदर बिल्कुल भी अगर आप शाई हो जाओगे तो वहीं आपका सिस्टम खराब है। मतलब आप इस मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एकदम, अगर आपको नहीं आ रही एक्सरसाइज कोई भी तो किससे पूछ लो, जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये करना काफी टाइम से यहाँ पे है, इससे पूछ लो। और हाँ एक बात मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि अगर जब भी आप जिम में जाओ तो हमेशा लाइट वेट का यूज करो। तो लाइट वेट से ये एक्चुअली ये होगा कि जो आपकी पोजीशन और जो आपका पोस्चर रहेगा वो एकदम सही रहेगा। अब ऐसा नहीं कि अगर आपने हैवी वेट ले लिया, तो ज्यादा हैवी वेट लेना भी इंजरी कर सकता है आपको। हाँ तो दोस्तों एक बात आपको सबसे ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपको जब भी आप जिम में जाओ, खासकर जो बिगनर लोग होते हैं, वो क्या करना है, उनको लाइट वेट लेना हैवी कभी नहीं लगाना जो लोग बिगनर होते हैं, क्योंकि हैवी वेट क्या करेगा, एक ही चीज करेगा, वो है इंजरी। और इंजरी तो कोई चाहता नहीं है इंसान कि उसको इंजरी हो। तो इसलिए जब भी आप वेट लगाओ तो लाइट लगाओ। हाँ धीरे धीरे करते करते आप जैसे जैसे आप ग्रोथ करोगे, आप एक्सपीरियंस लोगे, तो उस हिसाब से आप अपना वेट बढ़ा सकते हो। तो गाइस ये थी कुछ 4-5 बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है। और दोस्तों मैंने अपना वेट कैसे गेन किया, और मैंने अपनी मसल कैसे बढ़ाई, मैंने अपना डोला कैसे बढ़ाया, छाती कैसे बढ़ाई, ये सब आपको इसी आपको सीरीज में मिलता रहेगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए आए हैं।